चलिए नोट करेंगे, ये सब नोट किया होगा आपने। अगली स्टोरी यहां पर हमने एसिड बेस के कंसेप्ट आप 9th-10th से स्टडी करके आए थे। आर्किमिडीज का एसिड बेस कंसेप्ट शायद आप सबने स्टडी किया था। उसके बाद मैंने ब्रोस्टेड लारी एसिड बेस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, और थर्ड जो कंसेप्ट है वो लुईस का एसिड बेस कंसेप्ट। ये दो एसिड बेस कंसेप्ट आपको न्यू कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस किया। अब आता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू के बारे में भी आप जानते हैं, स्टडी करके आए हैं। पीएच वैल्यू का मीनिंग होता है, अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे और फिर ये कंसेप्ट आया कहां से उसको समझेंगे। पीएच वैल्यू, पी का मतलब, ये पी का मतलब माइनस लॉगरिथम। पी का मतलब क्या है इसमें? पीएच का मतलब है पी फॉर माइनस लॉगरिथम। किसी भी वैल्यू की माइनस नेगेटिव लॉगरिथम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एच का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। एक लीटर में कितने मोल, हाउ मेनी मोल्स इन वन लीटर, वो हुआ मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन की यूनिट। एक तो पीएच का फुल मीनिंग क्या है? पीएच का मतलब होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आय। ये पीएच का मतलब। ये आया कहां से? सोरेनसन नाम का एक साइंटिस्ट जिसका नाम आपने सुना है, सोरेनसन। उस साइंटिस्ट ने इस पीएच वैल्यू, पीएच स्केल को डेवलप। अब पीएच स्केल का कांसेप्ट वो लाया कहां से पहले वो समझेंगे। इधर चलते हैं। पीएच वैल्यू किसी सॉल्यूशन की होती है। अब सॉल्यूशन की होगी तो तय है वो वाटर में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूशन बनाओगे कहां से? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन तो वाटर से ही होगा। तो पहले वाटर को समझेंगे, वाटर के पास क्या ऐसी क्वालिटी है जो किसी की पीएच वैल्यू डिसाइड कर देता है। देखते हैं, ये H2, ये फार्मूला है वाटर का। ये वाटर लिक्विड है और ये अपने आप में डिसोसिएट है। एच प्लस ओ एच माइनस आय। वाटर लिक्विड है तो वो तो ऑलरेडी डिसोसिएट है ना, कौन से आयन में? H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। H प्लस आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी आयन। अब इसमें एक इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ध्यान से सुनिए। वाटर का क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब उसकी जो ये डिसोसिएट हुए इसकी एक प्रोडक्ट है उसको ही हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस आयन, इन दोनों के प्रोडक्ट का मीनिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केडब्ल्यू। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंट बाय केडब्ल्यू, के फॉर कांस्टेंट। वो तो नाम है के, डब्ल्यू फॉर वाटर। ये वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? जो कोई मटेरियल डिसोसिएट हुआ तो उसमें जो आयन प्रेजेंट है उनके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कोई मटेरियल डिसोसिएट हुआ तो वो अपने आयन्स में डिसोसिएट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। और भाई ये बिग ब्रैकेट जो लगाते हैं इसका मतलब ही कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के नाम से फेमस है। तो
तो Kw की वैल्यू क्या है, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, उसमें प्रेजेंट आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन मींस प्रोडक्ट, तो उसमें प्रेजेंट कौन कौन से आयन है, ये Kw की वैल्यू। Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर रखी। कितने कैलकुलेट की, Kw की वैल्यू होगी 1.0 इनटू 10 पावर माइनस 40। अभी यूनिट से कोई मतलब मत रखिए, आप तो ये मान के चलिए कि Kw का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है, 1.0 इनटू 10 पावर माइनस 40। ये Kw की वैल्यू है वाटर के लिए। हर मटेरियल की इस तरह वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्यों कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। तो वाटर के लिए Kw, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, 1.0 इनटू 10 पावर माइनस 40। अब जो Kw की वैल्यू है वो तो इनका प्रोडक्ट है, मतलब ये वाली वैल्यू इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो H इंटू OH इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 40, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हमने केवल Kw की वैल्यू ना रख दी। अब बताओ ये प्रोडक्ट है, ये 50% इसमें इंक्लूड है, तो ये भी तो 50% है, दोनों तो इक्वल है, दोनों का ही तो प्रोडक्ट है। और तो बताओ इसमें से H प्लस आयन को हम अलग करें, सेपरेट करें, तो H प्लस आयन का आंसर क्या है, H प्लस आयन इक्वल टू 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। ध्यान रखिए कोई भी मटेरियल जब डिसोसिएट होता है तो जितना कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन का होता है उतना ही कंसंट्रेशन नेगेटिव आयन का होता है। क्यों, अरे पॉजिटिव आयन अलग हुआ तो नेगेटिव आयन भी सेपरेट हुआ, एक पॉजिटिव आयन इधर गया तो एक नेगेटिव आयन उधर गया, सेम कंसंट्रेशन में होते हैं। तो यहाँ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका हाफ, 1.0 इनटू 10 पावर माइनस 7। और OH का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 1.0 इनटू 10 पावर माइनस 7 इक्वल होगा। और सो वाटर के अंदर आप सोचिए समझिए, यहीं से आपको थिंक करना है, वाटर के अंदर H प्लस आयन कितने हैं, 10 की पावर माइनस 7, वाटर के अंदर OH माइनस कितने हैं, 10 की पावर माइनस 7, दोनों इक्वल अमाउंट में। और जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन आर इक्वल टू ईच अदर, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अरे वो तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, उसमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन तो सेम कंसंट्रेशन में है तो वो न्यूट्रल हो गया, इसीलिए वाटर न्यूट्रल होता है। अब बाद में बात करेंगे कि वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है, पहले ये कांसेप्ट को नोट करिए, इसी से पीएच वैल्यू का कांसेप्ट है, पर ये नोट।